आज तो हद हो गया, आसन के गरिमा जो है वो तार तार कर दिया गया। आसन एक न्याय होता है, न्यायालय होता है, और उस न्यायालय को आप कहते हैं कि आप व्याकुल मत होइए। विपक्ष जितना निंदा करता है, कितना निंदा करेगा वो कम पड़ेगा। जो आज अध्यक्ष महोदय के साथ हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा ऐसे ऐसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई किया जाए, ताकि न सत्ता पक्ष न विपक्ष कभी इस तरह का शब्द का पुनरावृत्ति ना करे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के स्पीकर विजय सिन्हा पर एक बयान दे दिया, और उस बयान के बाद बिहार की सियासत में एक तरह से कह सकते हैं कि तूफान आ गया। दरअसल आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विजय सिन्हा जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्हें कहा कि व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। जब एक मंत्री इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करे तो सोच सकते हैं कि किस तरीके की सियासत हुईगी। जैसे ही बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक एक करके कई विधायक निकले और एक तरह से कह सकते हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को ज़बरदस्त घेरा। सबसे पहले रीतलाल यादव का यह बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सम्राट चौधरी को हो क्या गया है, सदन के अंदर स्पीकर को इस तरीके की बात बोलते हैं। हम तो 2015 से देख रहे हैं इस न्याय के मंदिर में, जिस मंदिर में पूरे बिहार के लोग अपेक्षाकृत हैं, अपेक्षा रखते भी हैं और अपेक्षा के अनुसार काम भी होता है। लेकिन जो दृश्य विधानसभा में हमको कुछ दिनों से देखने के लिए मिल रहा है, आश्चर्यचकित होना पड़ता है। आश्चर्य है, आज जो हम तो देख रहे थे विगत कुछ दिनों से कि कभी सत्ता पक्ष कभी विपक्ष द्वारा आवाज़ उठाया जाता था, कभी सत्ता पक्ष के द्वारा आसन को दिग्भ्रमित किया जाता था अनेकों नाम के द्वारा। कल भी आपके मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, अखबार में भी आया था, छपा तो था, सब कुछ छप रहा था, सब कुछ देखे भी हम। लेकिन आज तो हद हो गया, आसन के गरिमा जो है वो तार तार कर दिया गया। आसन एक न्याय होता है, न्यायालय होता है, और उस न्यायालय को आप कहते हैं कि आप व्याकुल मत होइए। इस तरह का संसदीय भाषा, इस तरह का आदेश, इस तरह का डिक्टेट करना आसन को, कहाँ का नियमावली में लिखा हुआ है, किस नियमावली में लिखा हुआ है? इससे शर्मनाक विधानसभा के अध्यक्ष के साथ माहौल क्या बनाया जा सकता है सत्ता पक्ष के द्वारा? विपक्ष कितनी निंदा करता है? विपक्ष जितना निंदा करता है, कितना निंदा करेगा वो कम पड़ेगा। जो आज अध्यक्ष महोदय के साथ हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा ऐसे ऐसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई किया जाए, ताकि न सत्ता पक्ष न विपक्ष कभी इस तरह का शब्द का पुनरावृत्ति ना करे। यह है दानापुर के आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव, जो साफ तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि मंत्री सम्राट चौधरी को नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें संभलने की ज़रूरत है। इस तरह का आचरण जो है वो बिहार विधानसभा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।